था नी 2017 में क्वेश्चन था, इफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू आर दी एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स. दो वर्टिकल प्लेन्स हैं, लेट अस सपोज एक ये प्लेन बना लिया हमने और ये दूसरा प्लेन बना लिया, आर एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देन दी ट्रू एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, और ये जो एंगल होता है दिस इज बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड. नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक बीच के फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं. तो इस केस में होता गया कि लेट सपोज ये वाला जो प्लेन है उसको मैंने बोल दिया दिस इज प्लेन वन, और ये वाला जो प्लेन है इसको बोल दिया प्लेन टू, और ये यहाँ पे मैंने लेट सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया. दिस इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक मेरिडियन. लेट अस सपोज ये वाला एंगल है डेल्टा, अगर ये एंगल डेल्टा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस डेल्टा. तो फर्स्ट प्लेन की बात करते हैं हम, फर्स्ट प्लेन प्लेन वन प्लेन टू. लेट अस सपोज अगर फर्स्ट प्लेन की बात करूँ तो टैन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा वन टैन डेल्टा होता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर मैं प्लेन वन देखूँ तो इसके लिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो पी भी रहेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो ये वाला हो जाएगा. अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास बी है तो इस तरफ हो जाएगा दिस इज़ बी कॉस डेल्टा, और इस तरफ हो जाएगा दिस इज़ बी साइन ऑफ डेल्टा. तो इसका मतलब बी वी अपॉन बी एच है ना, तो प्लेन वन के लिए हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कौन सा हो गया? बी साइन डेल्टा. इसी तरीके से अगर हम टैन डेल्टा टू की बात करें, टैन डेल्टा टू वो भी क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच. तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो वही रहेगा, लेकिन ये प्लेन टू है, प्लेन टू के लिए हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस डेल्टा. तो ये बन गया मेरे पास बी कॉस डेल्टा. ठीक है, तो टैन डेल्टा वन को लेट सपोज मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉट ऑफ डेल्टा वन विच इज़ इक्वल टू, इसका इन्वर्स कर देंगे बी साइन डेल्टा अपॉन बी वी. और इसी तरीके से अगर हम कॉट ऑफ डेल्टा टू करें तो इसका इन्वर्स कर देंगे, ये क्या हो जाएगा दिस इज़ बी कॉस डेल्टा अपॉन फिर से ई वी. दोनों को स्क्वायर करके दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी वी स्क्वायर. कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा. और साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसकी तो वैल्यू वन ही होती है. तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी वी स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम कॉट ऑफ डेल्टा, कॉट स्क्वायर डेल्टा. तो ये फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा. सो कॉट स्क्वायर डेल्टा सो सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर. वैसे भी ना सीधा याद रखो कि अगर सपोज एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है किसी भी विच इज एक्चुअली ट्रू एंगल, और तुम्हें दो प्लेन्स दिए हुए हैं और उन प्लेन्स पे जो एंगल है डिप का वो डेल्टा वन और डेल्टा टू है, तो आइडेंटिटी क्या होती है? कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू. नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, और इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. लेट सपोज तुम्हें डेल्टा वन की वैल्यू दी हो, डेल्टा टू की वैल्यू दी हो, तो डेल्टा निकालना हो तो सिंपली आइडेंटिटी याद रखनी है. दो प्लेन्स प्लेन वन प्लेन टू अलग अलग दिए हुए हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू उनका एंगल ऑफ डिप है, तो नेट एंगल जो है डिप का वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू. थैंक यू.